गढ़वाल का ये गबरू जवान कभी फौजी बनना चाहता था। किस्मत ने खेल खेला, मेहनत रंग लाई, ये लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। गरीबी में दिन काटने वाला दिगंबर रावत अब एमएमए फाइटर बन गया। दिगंबर रावत अब इंटरनेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन बन गया। उत्तराखंड के चमोली जिले के आली गांव का रहने वाला दिगंबर सिंह रावत, वो दिगंबर रावत कभी सेना में जाना चाहता था, लेकिन किस्मत उसे कहां ले आई। वो दिगंबर रावत आज मिक्स्ड मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियन है। आज हम दिगंबर की सफलता देख रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा। दिगंबर के पिता की साल 2019 में मौत हो गई थी, जिसके बाद घर के हालात बिगड़ते चले गए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए दिगंबर रावत ने फौजी बनने की ठानी। वो लगातार देश की सेना में जाने के लिए मेहनत करते रहे। थोड़े समय बाद दिगंबर अपनी बहन के साथ देहरादून आ गए और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तैयारी करने लगे। यहाँ उन्हें अंगद बिष्ट के रूप में अपना गुरु मिला। गुरु शिष्य की ये जोड़ी अब दुनिया भर के फाइटर्स को ललकार रही है। दुबई में हुई अंतर्राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, उत्तराखंड के लाल दिगंबर रावत ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। लाइटवेट कैटेगरी में अपने प्रतिद्वंदी अकीब अली को पटखनी दी। एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर दी। एक तरफ गुरु अंगद बिष्ट ने वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप जीती, तो दूसरी तरफ शिष्य दिगंबर सिंह रावत की मेहनत का शानदार रिजल्ट रहा। उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर दिया। दिगंबर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहनों और कोच अंगद बिष्ट को दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भविष्य में भी यूं ही मेहनत करते रहेंगे। उत्तराखंड न्यूज की तरफ से भी दिगंबर सिंह रावत को ढेरों शुभकामनाएं। उनकी सफलता पहाड़ के दूसरे युवाओं को भी कभी हार न मानने की प्रेरणा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।